ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡੀਅਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। सो कैप्टन अमरिंदर सिंह की कहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और सबका डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा विचाले शब्दी जंग तेज हो चुकी है। रंधावा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने कार्यकाल के भ्रष्ट मंत्रियों के ना दसन की चुनौती दी। तो कैप्टन की कहते हैं कैप्टन कहते हैं कि मैं तैयार हाँ जेकर भगवंत मान मेरे तो पुछणगे। अनमोल गुलाटी इस खबर से जानकारी की सांझ पाउणगे। अनमोल की लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस तो बागी हुए ने जिहड़े डोजियर का जिक्र कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी कोल करते हुण मुख्यमंत्री मान कोल करन लई तैयार बैठे ने। किन्ने अक दीआं मुश्किलां वध सकदीआं ने, पुराने समय च कार्रवाई क्यों नहीं हुई, पूरा सिनैरियो समझना चाहांगे। किशन देखो जेकर गल की जाए जिस तरीके नाल विजय सिंगला सेहत मंत्री ते साबका सेहत मंत्री ते जिहड़ी कार्रवाई हुई है उस तो बाद काफी सवाल जिहड़े खड़े होंदे नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहला भी इहो जी कार्रवाइयां जेकर होंदी तां शायद सिस्टम इन्ना ज्यादा खराब नहीं हुंदा। जेकर गल की जाए कैप्टन अमरिंदर सिंह दी तां उन्हां वल्लों भी इस चीज़ नूं लैके काफी प्रमुखता दे नाल अपनी आवाज बुलंद की गई सी। उन्हां वल्लों कहा गया कि उन्होंने भी अपनी हाईकमान नूं जरूर दस्या कि कुछ जिहड़ा कि पंजाब दे विच जिहड़े विधायक ने जिहड़े मंत्री ने उन्होंने वालों हो रहा है लेकिन बावजूद इसके कोई एक्शन लैन की परमिशन जी की नहीं दी गई। तो मैडम सोनिया वालों जिहड़ा कि किसी भी तरीके का इस तरीके इस गल के उ प्रतिक्रम नहीं दिता गया। तो साफ तौर पर गल की जाए तो जिस तरीके दे नाल पहला एक्शन नहीं लिया गया लेकिन हुण एक्शन भी लिया गया। यह भी कहा जा रहा है कि पुरानी फाइलां भी फरोली जाणगियां जानी कि इहदे विच जरूर जिहड़ा कि है कितना कितने एक संकट की घड़ी बन सकती है उन तमाम सरकारां दे लई जिन्हां दे वेले जेकर कोई घपला होया। क्योंकि जेकर इस बार पंजाब सरकार की गल की जाए तो पंजाब सरकार अपने किसी मंत्री नूं बख्शदी हुई नजर नहीं आ रही तो फिर विरोधी धिर दे किसी साबका मंत्री या साबका विधायक नूं किस तरीके नाल बख्शा जाऊगा, यह वड्डा सवाल है। तो जेकर गल की जाए इस जांच की, इस जांच दे विच जिस किसी का भी नाम सामने आऊगा उहदे उत्ते सख्त कार्रवाई जिहड़ी की है वह की जा सकती है। तो जरूर जिहड़ा कि एक सिचुएशन उन्हां दे लई है खराब जिन्होंने शायद इस चीज नूं लैके कदे कोई जिहड़ी की है कोई भी इनवॉल्वमेंट करप्शन दे विच कोई पहला कदे नजर आई है। अनमोल सब तो अहम सवाल यह है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जिस हिसाब नाल वार पलटवार कर रहे ने तो दूजे पासे कैप्टन की कहते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी स्पष्ट कर दिता है कि मैं तैयार हाँ सारी जानकारी देने लिए क्योंकि रंधावा तो वड्डे एलीगेशन लगे ने कि किवें रेते नूं लैके सब कुछ होया। पर अनमोल पुराने समय च कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी? कैप्टन अमरिंदर सिंह बतौर चीफ मिनिस्टर वड्डी भूमिका च रहे ने। सो सुखपाल सिंह खहरा इस करके सवाल चुक रहे ने कि शायद तुसीं कार्रवाई करदे अज विरोधी धिर च ना हुंदे। जी बिल्कुल, जेकर गल की जाए किशन इस बार जो सरकार है सरकार ने कार्रवाई जरूर की लेकिन पहला दी जे कैप्टन अमरिंदर सिंह की गल की जाए तो उन्होंने कहना सी कि मैं बतौर मुख्यमंत्री जो मैं अपनी हाईकमान के कोल गया जो मैं अपनी बिल्कुल बड़े सवाल से जो डोजियर का जिक्र कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया। अनमोल लाइन पर रहे हो, प्रतपाल सिंह बलीवाल साढ़े जुड़ चुके हैं पीएलसी के लीडर ने। बलीवाल जी स्वागत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कहना चाहते हैं? देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि मैं जानकारी देने तैयार हाँ, रंधावा सने होर लोगों ने किमें रेती दी खड्डा एक पास तो दूजे पास कीतियां। सो सब तो पहला रिएक्शन सर यह है कि कांग्रेसी लीडर सवाल चुक रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बतौर चीफ मिनिस्टर कार्रवाई कर सकते सी क्यों नहीं की गई? देखो सवाल कृष्ण जी बिल्कुल थोड़ा वाजब है कि बतौर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कार्रवाई कर सकते थे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर एक हाईकमांड बैठी थी जी। वो हाईकमांड को उन्होंने नाम भी देखी थी, सब ने देखा जो ड्रामा चलिया जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्होंने लॉन का मन बना लिया ना तो वो जी लॉबी थी जिस रंधावा साहब भी वेचा ने उन्होंने सो कॉल माझा ब्रिगेड भी वेचा है उन्होंने उल्टा ही चलता काम फिर कहते जी असी मारे गए अभी बड़ा ही क्यों ना सीख लीए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हटाने की साजिश उस वे शुरू हुई थी। हम मैं रंधावा जी ने तो यह पूछ रहा कि गृह मंत्री थे
ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਕਰੋ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁਲੱਤ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਮਾਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ देखो मैं तो यह कहना चाहना कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर से जो उन्होंने मिनिस्टर से या किसी से भी कोई करप्शन के एलिगेशन लगते थे तो उन्होंने बहुत वेहमेंटली डिफेंड करते थे और पूरा जोर लाते जिनी शक्ति इन्होंने कोल होंगी से उन्होंने बचाते और मैंने अच्छी तरह लफ्ज याद है दे आर माई मिनिस्टर ये कुछ गलत कर ही नहीं सकते और इन्ने वे तत्थ आए इन्होंने राज भाग के मौका खुंझ गए ने दैट टाइम टू एक्ट क्योंकि करप्शन जरा इशू ना जी दिस इज बियॉन्ड पार्टीजन पॉलिटिक्स अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर किसी करप्ट भावा वो अपनी पार्टी का बंदा भावा मुखालफ पार्टी का बंदा अगर उसनों फेयरली डील करे तो लोग उसनों वाइडली एप्रीशिएट करते हैं वो हूँ समा वो खुंझाता तो हूँ तो एवं शिकायतें लाने वाली गल् ने उन्होंने शोभदा जानी गा जे वो बतौर मुख्यमंत्री सही फैसले ले होंगे तो ना जो बीजेपी के अलायंस में होना स ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ।